हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में जो है हमारा आधुनिक भारत से चैप्टर राष्ट्रवाद। एक्चुअली पीटी में ये बहुत समझ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, उस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत ही राष्ट्रवाद से होती है। तो राष्ट्रवाद क्या है, कौन से वे कारण थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, और राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या निकल करके आया, तो आज हम लोग उसी को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से और बेहतर रूप से इसे समझने का प्रयास करेंगे। न केवल यह आपके पीटी फैक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, बल्कि इतिहास के समझ के लिए और मेंस के दौरान यदि आपका हिस्ट्री कभी ऑप्शनल रहा है या जीएस में हिस्ट्री के ऑप्शन आते हैं तो वहाँ भी ये समझ आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हिस्ट्री के संबंध में ये जो चैप्टर है इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के संबंध में हमने दो पॉइंट पहले बनाए हैं, क्या है राष्ट्रवाद और कारण क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। इसकी अगर एक परिभाषा देने का हम प्रयास करें तो ये कह सकते हैं कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के मध्य जो एकजुटता की भावना होती है, आपसी समन्वय की जो भावना होती है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, जो कि एकाएक नहीं जन्म लेता है बल्कि धीरे धीरे ये सिस्टमैटिक रूप से बढ़ते हुए एक अपने स्वरूप में आता है और एक फाउंडेशन की भावना बन करके उभर जाता है। तो चलिए इसकी एक परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो परिभाषा है, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है। अर्थात किसी भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के बीच जो विभिन्न आधारों पे, चाहे वो राजनीतिक आधार हो, चाहे आर्थिक आधार हो, चाहे सामाजिक आधार हो, चाहे सांस्कृतिक आधार हो, इसमें से किसी आधार या सभी आधार के आधार पर अगर उनमें एकता की भावना जन्म लेती है तो इसी एकता की भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसी एकता की भावना वाले राष्ट्रवाद को अगर हम इतिहास के पिछले पन्नों में लेके चले तो जब हम पढ़ते हैं एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, तो क्या देखते हैं, वहाँ पर क्षेत्रीय भावना थी, यानी किसी अपने पार्टिकुलर क्षेत्र को लेकर के उनमें एकता की भावना थी। यही कारण है कि वो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद हो जाता है, वो पूरे देश को लेकर के नहीं होता है। पूरे देश को लेकर के जो राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है वह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, अर्थात 19वीं सदी के 1850 के बाद के दशक में यह धीरे धीरे करके भारतीय समुदाय में जन्म लेता है, जो इतना व्यापक हो जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेता है और ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर विवश कर देता है, और इस राष्ट्रवाद का परिणाम निकलता है भारत की स्वतंत्रता और एक अखंड भारत का निर्माण। तो पूरे राष्ट्रवाद के बाकी के चरण की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रवाद क्या है। इसे और बेहतर रूप से समझने के लिए जो इसके तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो राष्ट्रवाद के क्रम में शामिल होते हैं, उसे देखते हैं। तो राष्ट्रवाद में सबसे पहले शामिल होता है एक भौगोलिक सीमा, अर्थात किसी सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना। तो पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है एक भौगोलिक सीमा। दूसरा है एक ऐतिहासिक विकास की परंपरा, यानी राष्ट्रवाद एकाएक अचानक उत्पन्न नहीं होता है, यह एक क्रमिक रूप से विकासवादी विचारधारा है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि यह राष्ट्रवाद की अंतिम सीमा है। यह निरंतर गतिशील है, यह बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, विभिन्न रूपों में यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक विकास की इसकी एक परंपरा रही होगी, और विभिन्न समुदायों के बीच जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर जो एकता बनता है वही है इसके कंपोनेंट्स। अर्थात राष्ट्रवाद के लिए तीन चीज़ें महत्व है, पहला एक भौगोलिक सीमा, एक विकास की परंपरा, ऐतिहासिक विकास की परंपरा, और तीसरा उनमें ये बीच जो एकता की भावना है उसके लिए विभिन्न आधार, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या सभी हो, इन सभी आधारों पर जब एकता की भावना जन्म लेती है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। भारतीय इतिहास में यदि देखें तो हमने देखा कि 19वीं सदी में यह राष्ट्रवाद 1850 के बाद
के दशक में यह देखने को मिलता है कि राष्ट्रवाद का उदय होता है और देखते ही देखते राष्ट्रीय आंदोलन में बदल जाता है। तो इस राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने इन्हें प्रेरित किया, इन्हें अगर कुछ खंडों में तोड़े तो हम इसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों के रूप में देख सकते हैं। आइए इसे बारी बारी से थोड़ा सा विश्लेषित करते हैं जो फैक्ट्स लिखे गए हैं। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कारण की ओर, कि वे राजनीतिक कारण कौन थे जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। 1857 की क्रांति, मैंने अभी बताया कि 19वीं सदी का उत्तरार्ध 1850 के बाद में ये राष्ट्रवाद उदय लेना शुरू होता है, तो उसके बाद की सबसे बड़ी घटना थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में जिस मनोबल के साथ भारतीयों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और जो उसका आउटकम रहा, उसमें से एक बहुत बड़ा आउटकम था राष्ट्रवाद। लोगों का अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम, आपसी भाईचारा का बढ़ना, ये राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। तो 1857 की क्रांति और उसका परिणाम ये राष्ट्रवाद के उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर छोटे छोटे विभिन्न संगठन बनाए गए जिसके माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संगठन बन के उभरा वो था 1885 में कांग्रेस की स्थापना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके बाद वास्तविक राष्ट्रवाद का दौर शुरू होता है, जब कांग्रेस एक ऐसे संगठन के रूप में काम करता है जो पूरे भारत को एकजुट बनाने का प्रयास करता है और इन संगठनों का आयोजन विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में किए गए और अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने के साथ साथ अलग अलग समुदाय के लोगों को इसमें अध्यक्ष के पद पर चुना गया, जो वास्तव में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने और लोगों में एकता की भावना को संचालित करने का कार्य था। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो कांग्रेस की स्थापना थी वो बम्बई में हुई, फिर बम्बई में बैठक हुई, फिर कलकत्ता में बैठक हुई, फिर मद्रास में बैठक हुई, फिर इलाहाबाद में बैठक हुई। ये बैठक विभिन्न जगहों पे आयोजित इसीलिए हो रहे थे ताकि संपूर्ण भारत को इस राष्ट्रीय क्रांति में जोड़ा जा सके। विभिन्न समुदाय के लोगों को अध्यक्ष पद दिया जा रहा था ताकि उनके माध्यम से इस संगठन को और प्रसारित किया जा सके और राष्ट्रवाद का विकास और तेज किया जा सके। तो कांग्रेस की स्थापना ने इस राष्ट्रवाद के विकास को गति दी। इसके अलावा कुछ ऐसी ब्रिटिश शोषक नीतियां भी रही पॉलिटिकली जिसके कारण राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उदाहरण के लिए डलहौजी की नीति, डलहौजी ने जिस हड़प नीति को चलाया उस हड़प नीति का एक परिणाम निकला कि सभी भारतीय एकजुट हुए और एक साथ मिलकर के ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का निर्णय लिया। तो ये डलहौजी की नीति, उसका परिणाम भी राष्ट्रवाद के रूप में देख सकते हैं। वेलेजली की सहायक संधि, जिस संधि ने भारतीय राजवारों को अपने अधीन बनाना, उन पर अधिग्रहण करना, ऐसी नीति का संचालन किया, इन छोटे छोटे नीतियों ने भारतीयों में एकजुटता की भावना को पनपने में मदद की। तो जहां एक तरफ भारतीयों ने प्रयास करके राष्ट्रवाद लाया, वहीं ब्रिटिश की जो शोषक नीति थी उसका परिणाम भी भारतीयों में राष्ट्रवाद के जन्म लेने का एक मूल कारण बना। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा एक इल्बर्ट बिल विवाद आपने पढ़ा होगा, इल्बर्ट बिल विवाद मैंने वायसराय चैप्टर में भी पढ़ाया है उसे। तो इल्बर्ट बिल विवाद का नतीजा भी भारतीयों को स्वदेश प्रेम और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता के रूप में देखने को मिला। अब आते हैं आर्थिक कारण की ओर। तो भारत में मुख्य रूप से आर्थिक संसाधन के दो क्षेत्र थे, एक कृषि, दूसरा उद्योग और व्यापार। उद्योग तो बहुत छोटे स्तर पे थे, लघु उद्योग के रूप में थे, और व्यापार बड़े स्तर पे होता था, यही दो जीविका के साधन थे। ब्रिटिश के आने के बाद कृषि की स्थिति ये हो गई कि भारत कच्चे माल का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बन गया, और दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में ऐसे बंदोबस्त चलाए गए जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त जिसे कहते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इन सभी बंदोबस्त के माध्यम से कृषि में शोषण का दौर चला और कृषि की स्थिति बदहाल होती चली गई। तो ये जो कृषि और कृषकों की बदहाली थी,
इस बदहाली ने लोगों में एकजुटता की भावना को पनपने में मदद की। तो कृषि की बदहाली ने लोगों में एकजुटता बनाई, वहीं उद्योगों का विनाश, जो लघु कुटीर उद्योग भारत में पनप रहे थे, चल रहे थे, जब ब्रिटिश शासन ने ब्रिटेन से तैयार मालों को भारत में भेजना शुरू किया तो वे भारतीय उद्योग भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब कृषि समाप्ति के कगार पे, उद्योग भी समाप्ति के कगार पे। ऐसे में इन लोगों के बीच जो एकजुटता की भावना बनती है, संघर्ष की भावना बनती है, वह राष्ट्रवाद को जन्म देता है। तो कृषि के विनाश और उद्योगों के विनाश ने भी भारतीयों में एकजुटता के विकास में मदद की। इसके अतिरिक्त धन का निष्कासन सिद्धांत, जो आपने पढ़ा होगा कि दादा भाई नौरोजी ने दी थी, दादा भाई नौरोजी द्वारा दिए गए इस धन के निष्कासन सिद्धांत का परिणाम ये निकला कि लोगों ने ब्रिटिश के दोहरे चरित्र को पहचाना और ये जाना कि वे भारतीयों का कल्याण करने नहीं बल्कि भारत से धन ले जाने और शोषण करने आए हैं। इन सिद्धांतों ने भी भारतीयों में भारतीय होने का गर्व और भारतीयों में एकजुटता की भावना को बढ़ाने का काम किया, और एकजुटता की भावना बढ़ना ही राष्ट्रवाद है। तो हमने देखा किस प्रकार से राजनीतिक कारण और आर्थिक तत्व जिम्मेदार थे इस राष्ट्रवाद के बढ़ने में। अब आते हैं सामाजिक कारण में। सामाजिक कारण में जो सबसे मूल कारण था वो था सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ये मैंने जस्ट पीछे वीडियो अपलोड किए थे, 2-3 वीडियो के पीछे, कि किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है आधुनिक भारत में चलाया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने समाज को सुधारने और समाज में आई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इस बुराइयों को दूर करने के क्रम में जो लोगों में भारतीयता के प्रति जो जागरूकता फैलाई गई वह राष्ट्रवाद का कारण बना, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी सुधारक का माना जाता है तो वह है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने अपने सुधारक विचारों की ओर जब प्रेरणा देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो, अर्थात स्वदेशी व्यवस्था से प्रेम करो, पाश्चात्य व्यवस्था से नहीं। तो ये जो स्वदेशी व्यवस्था से प्रेम की बात थी, यह राष्ट्रवाद था। उन्होंने कहा कि बुरा से बुरा अगर स्वदेशी शासन है तो वह विदेशी शासन से अच्छा होगा। ये छोटी छोटी बातें लोगों के मन में राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक कार्य करने लगा। और अंत में जो उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, यह छोटे छोटे विचार उनके राष्ट्रवाद के पनपने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। तो सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान दयानंद सरस्वती द्वारा भारत भारतीयों के लिए है, स्वदेशी शासन ही विदेशी शासन की तुलना में अच्छा है, ऐसे वक्तव्यों ने भारतीय जो राष्ट्रवाद था उसके पनपने में, उसके बढ़ने में मदद की। इस क्रम में स्वदेशी विचारधारा ने भी उतनी ही प्रेरणा जो है लोगों को दी। तो सामाजिक क्षेत्र में ये कुछ ऐसे कारण बने जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब आते हैं सांस्कृतिक कारण की ओर। तो सांस्कृतिक कारण में कई ऐसे कारण थे जिसमें कुछ ब्रिटिश कारक भी थे, जो ब्रिटेन खुद नहीं जानते थे कि ये चीज़ें कल होकर के राष्ट्रवाद के लिए जानी जाएंगी। हालांकि उनका प्रयोग उन्होंने अपने हित के लिए किया था, लेकिन बाद में वो भारतीय के राष्ट्रवाद को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुआ। जैसे अंग्रेजी शिक्षा, और इसी के माध्यम से जो आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी वो। अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग ब्रिटिश सत्ता ने भारत में अपने लिए क्लर्क तैयार करने और अपने विचारों को फैलाने के उद्देश्य से किया था, लेकिन इस अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। वो कैसे? तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ किसी क्षेत्र में अलग भाषा, किसी क्षेत्र में अलग भाषा, भाषाओं की विविधता, ऐसे में एक कम्युनिकेशन गैप था इन सब के बीच, और कम्युनिकेशन गैप होने के कारण राष्ट्रवाद की भावना को बल नहीं मिल रहा था। लेकिन एक सर्वमान्य लैंग्वेज प्राप्त हुआ पूरे भारत को, सभी वर्गों को एक ऐसे लैंग्वेज प्राप्त हुआ अंग्रेजी, जिससे वे आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ सकते थे और एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते थे। तो पूरे भारत को एक सर्वमान्य लैंग्वेज के माध्यम से जोड़ने में अंग्रेजी ने अपनी भूमिका निभाई। वहीं आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों को
वैसे ज्ञान दिए जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए जरूरी थे, जैसे विदेशी शिक्षा और विदेश में हुए क्रांतियों का ज्ञान आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पता चला और फिर वहां से प्रेरणा लिए भारतीयों ने और फिर राष्ट्रवाद के विकास को मदद मिली। तो ये ब्रिटिश चाहते तो नहीं थे कि राष्ट्रवाद का विकास हो, लेकिन उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा आधुनिक शिक्षा का प्रसार अपने हित के लिए किया, उसका एक परिणाम भारतीयों के हित में भी निकल करके आया। अब आते हैं रेल। रेल सेवा का प्रारंभ आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किए थे और उसका मूल उद्देश्य था कि भारत से जो कच्चे माल है उसको दूर दूर क्षेत्रों से बंदरगाह तक लाया जाए और फिर बंदरगाह के माध्यम से ब्रिटेन ले जाया जाए और जो तैयार माल आ रहा है उसे बंदरगाह पर उतार करके पूरे भारत में बेचा जा सके। लेकिन इस रेल ने पूरे भारत को जोड़ने का भी काम किया और एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे और चौथे स्थान में जब जुड़ाव बढ़ा तो ये लोगों के बीच एक एकता का संचार बढ़ाया। इसने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का एक मार्ग दिया, एक साथ बैठने, एक साथ यात्रा करने, छुआछूत, जातिवाद जैसे परंपरा से दूर हटने में इसने मदद की। तो रेल के विकास ने भी अनचाहे ही, लेकिन इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। इसके अलावा जो समाचार पत्र एवं पत्रिका भारतीयों द्वारा निकाले गए, जो एक तरह से आधुनिक शिक्षा का ही प्रसार था कि जब शिक्षित हुए भारतीय तो उन्होंने समाचार पत्र पत्रिका निकालना शुरू किया। और आपने पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय से लेकर के महात्मा गांधी और जितने भी हमारे बड़े नेता थे सभी ने अपने अपने समाचार पत्र निकाले, अपने विचारों को प्रसारित किया, लोगों तक अपने विचारों को पहुँचाया। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी इन विचारों को फैलाने में, लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की और इस सब का परिणाम निकला, लोगों में एकजुटता की भावना का विकास होने लगा और वही एकजुटता की भावना बढ़ते बढ़ते रूप लेता है राष्ट्रवाद का। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक महोत्सवों ने भी इसके विकास में योगदान दिया। उदाहरण के लिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं और बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में जो है शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव का जो आयोजन किया, उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से लोगों में जो आपसी जुड़ाव है ये बढ़ना शुरू हुआ। तो ऐसे कई सांस्कृतिक बिंदु रहे जिन सांस्कृतिक बिंदुओं ने भारतीयों में एकता के संचार को बल दिया और इसका परिणाम राष्ट्रवाद के रूप में उभर करके आया। इन देसी कारणों के अतिरिक्त कुछ विदेशी तत्व भी थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। वे विदेशी तत्व क्या थे, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति हुई और अमेरिका का ब्रिटेन से आजाद होना कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए एक ऐसा संकेत देता है कि आप भी आज़ाद हो सकते हैं। तो भारतीयों ने भी यहाँ से प्रेरणा ली। फिर उसके बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति और यहाँ से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचारधारा निकले जो पूरे विश्व में फैले और भारत भी उनसे अछूता नहीं रहा और भारत में भी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार जो फ्रांसीसी क्रांति के देन थे वे राष्ट्रवाद के प्रमुख सूचक में शामिल हो गए। तो इन घटनाओं ने भारत में ये जो राष्ट्रवाद था इसको बढ़ाने में काफ़ी प्रेरणा दी। इसके अतिरिक्त जापान जैसे छोटे देश का चीन पर विजय प्राप्त करना तथा जापान जैसे छोटे देश का रूस जैसे विशाल देश पर विजय प्राप्त करना जैसी घटनाओं ने यह जागृति दिलाई कि एक छोटे से समूह द्वारा भी ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से भगाया जा सकता है। तो संघर्षवादी राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो उदय है उनमें भी इन घटनाओं ने काफ़ी हद तक योगदान दिया। तो कई ऐसे तत्व थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में कार्य किए, जैसे राजनीतिक में कुछ पॉइंट, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विदेशी तत्वों की भूमिका। तो हमने देखा कि राष्ट्रवाद क्या है, हमने देखा राष्ट्रवाद के तत्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रवाद के कारण कौन कौन से रहे और अगर कुछ शब्दों में परिणाम देखना चाहें तो परिणाम बहुत व्यापक दिखाई देंगे। भारत की स्वतंत्रता,
सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कि भारत स्वतंत्र हुआ, और इसका एक और बड़ा परिणाम कि आज भी एक अखंड भारत का जो हम बात करते हैं कि भारत एकजुट एकतापूर्ण भारत है, इस एकतापूर्ण भारत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह राष्ट्रवाद की भावना का है। अब एक लाइन में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना थी और जो यूरोपियन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना, इन दोनों विचारधाराओं में क्या डिफरेंस है, यूरोपियन राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद भावनात्मक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, अर्थात भावनाओं के आधार पर जुड़ाव, संस्कृति के आधार पर जुड़ाव की बात करता है। लेकिन यूरोप में भौतिक और आर्थिक तत्व हावी होते हैं। ज़्यादातर राष्ट्रवाद का विकास भौतिक कारणों से या आर्थिक कारणों से हुआ यूरोप में, जबकि भारतीय क्षेत्र में ये राष्ट्रवाद का विकास मूल रूप से सांस्कृतिक और भावनात्मक तत्वों के कारण हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये राष्ट्रवाद का जो पूरा चैप्टर था, कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे आधुनिक भारत के कुछ चैप्टर जो बच गए हैं, दो तीन, उसको लेंगे और ख़त्म करेंगे हम लोग, फिर आएंगे अदर सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इसी तरह से एडुटेरिया से जुड़े रहें, देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर कॉमेंट एंड दोस्तों को बताएँ कि एडुटेरिया फैमिली से जुड़ जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।